दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज ठीक 52 दिन के बाद गद्दर 2 ने वो कमाल किया है जिसके बाद सिनेमा घरों में पूरी तरह से दर्शक का भौचाल आ चुका है, तबाही आ चुका है। लोग पहले के तरह सिनेमा घर में भर भर के गद्दर 2 देखने जा रहे हैं और आज गद्दर 2 का 52वां दिन है और 52 दिन बॉक्स ऑफिस पर गद्दर 2 ने कितना कलेक्शन किया है। और वहीं जवान का जो हाल है वो अब 1 से 2 दिन के बाद जवान मूवी को आउट कर दिया जा सकता है। वहीं गद्दर 2 को अभी भी सिनेमा घरों में लगातार चलाया जाएगा और जो लोग शाहरुख खान के मूवी को लेकर अफवाह उड़ा रहे थे, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जवान फिल्म 10 दिन थिएटर में बम्फर कमाई किया, मगर उसके बाद जो कमाई में घटा है उसे आप देखकर चौक भी चौक जाइएगा। सच में जो गद्दर 2 ने किया है अभी तक हिंदी के सबसे बड़े फिल्म, सबसे अधिक कमाई करने वाला फिल्म का जो खिताब था वो अपने नाम कर लिया है और ऐसा नहीं लगता है इसका जो रिकॉर्ड है उसे कोई तोड़ भी सकता है। और दोस्तों आपको बता देखो, आप सबसे पहले बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको बता दे कि गद्दर 2 ने पूरे 52 दिन के बाद 4.32 करोड़ का बम्फर कमाई किया। और वहीं दोस्तों शाहरुख खान की मूवी जवान की बात करें तो 3.42 करोड़ की कमाई किया था 3 सप्ताह। और आपको बता दें कि आज कल सिनेमा घरों में 5 बड़ी फिल्में लगी हैं और इन फिल्मों ने अभी तक कितना कमाई किया है। बात करें जवान फिल्म का तो दोस्तों शाहरुख खान की फिल्म जवान ने 578.35 करोड़ की कमाई किया, वहीं ड्रीम गर्ल्स 102.65 करोड़ की कमाई किया। और वहीं दोस्तों आपको बता दें कि गद्दर 2 ने 524 करोड़ कमाई किया, वो भी सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में, वही ओमजी 2 ने 125 करोड़ की कमाई किया। और दोस्तों सबसे ज्यादा कमाई किया तो सन्नी पाजी की फिल्म गद्दर 2 ने और अपने नाम एक बहुत ही इतिहास रच दिया। तो दोस्तों आपको गद्दर 2 के बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों आप भी सन्नी पाजी का सपोर्ट करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।